ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच संघर्ष इतना भयंकर था कि उसे देखकर आज के मार्क्सवादी खुश हो जाएंगे, डॉक्टर अंबेडकर। ये बातें डॉक्टर अंबेडकर ने कब और किन संदर्भों में कही थी? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। एक वीडियो मैंने बनाया था, जुआ, शराब, सेक्स और आर्य, 1,04,000 से ज्यादा साथियों ने देखा है। और वो वीडियो जो है डॉक्टर अंबेडकर की किताब रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन से बनाया गया था, क्रांति और प्रतिक्रांति वॉल्यूम 7 है। काफी लोगों ने देखा है इसको, लंबा वीडियो सुना गया है। पुनः मैं वापस उस किताब पर लौट रहा हूं और उसके आगे डॉक्टर अंबेडकर क्या लिख रहे हैं। एक चैप्टर है सुधारक और उनकी नियति, ये पेज नंबर 18 से लेकर और 30 तक 12 पेज है, लेकिन 12 पेज आपको सुनाऊंगा नहीं, जो हाइलाइट्स हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें उस वीडियो में जुआ, शराब, सेक्स और आर्य में कही जा चुकी हैं। सजेस्टेड वीडियो में आप वो वीडियो देख सकते हैं, पूरा वीडियो पुनः फिर से सुन सकते हैं। उसके आगे संक्षेप में अगला 15 मिनट आप इसको सुनते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने इस चैप्टर की शुरुआत करने के साथ ही सर टी माधव राव को कोट किया है। टी माधव राव लिखते हैं कि जितना अधिक कोई जीवित रहता है, देखता है और सोचता है, उतनी अधिक गहराई से वह महसूस करता है कि हिंदू समाज को छोड़कर पृथ्वी पर अन्य कोई समाज नहीं है जो राजनीतिक बुराइयों से कम और स्वयं पर थोपी गई या स्वयं स्वीकार की गई या स्वयं पैदा की गई बुराइयों से अधिक ग्रस्त है। मतलब इतना कोई समाज दुनिया में नहीं है जिसने इतनी बुराइयां खुद अपने आप क्रिएट किया है। ये कोट करते हुए डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि ये विचार बिल्कुल सही रूप से और बिना अतिशयोक्ति के हिंदू में सुधार की आवश्यकता को बताते हैं। अब आते हैं वो गौतम बुद्ध पर। गौतम बुद्ध के बारे में लिखते हैं कि प्रथम समाज सुधारक और उनमें सबसे महानतम गौतम बुद्ध थे। समाज सुधार का इतिहास ही बुद्ध से शुरू होता है और कोई भी इतिहास उनकी उपलब्धियों के बिना अधूरा रहेगा। इसके बाद गौतम बुद्ध के जीवने के बारे में बताते हैं, उपदेश क्या है और उनकी तारीफ उस समय की किन किन ब्राह्मण विद्वानों ने की है, इसकी चर्चा करते हैं। वो विस्तार से नहीं जाऊंगा, वो सब आप जानते हैं। और उसके आगे लिखते हैं कि गौतम बुद्ध ने आर्यों के ऊपर भी अमिट छाप छोड़ी। यद्यपि उनका नाम भारत के बाहर फैला है, उनकी शिक्षा का प्रभाव अभी तक यहां, मतलब भारत में बना हुआ है। उसके बाद बौद्ध धर्म क्यों तेजी से फैला, इसकी चर्चा विस्तार से करते हैं, उस विस्तार में नहीं जाऊंगा। बहुत सारे इतिहासकार को उन्होंने कोट किया है और लिखते हैं कि गौतम बुद्ध के उदय को कैसे समझा जाएगा। तो उनका कहना है कि बुद्ध ने जब अपना अभियान शुरू किया और उनकी शिक्षा से जो महान सुधार आया, उसको समझने के लिए पहले तत्कालीन आर्य सभ्यता की विकृत स्थिति को जानना आवश्यक है। और पुनः यहां पर जुआ, शराब, सेक्स, तमाम किस तरह की अवधारणा थी आर्य समाज में, उसकी चर्चा करते हैं। वो सजेस्टेड वीडियो में लगा रहा हूं, बार बार डिटेल्स उसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं वर्ण व्यवस्था पर और कहते हैं कि आर्य 4 वर्गों को मान्यता देता है। वे हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये विभेद ऊंच नीच का था, एक के ऊपर दूसरा था। एक दूसरे के ऊपर या नीचे होने के कारण चारों वर्णों में ईर्ष्या और द्वेष था। इस ईर्ष्या और विद्वेष से शत्रुता पैदा हुई। यह शत्रुता 2 सर्वोच्च वर्गों अर्थात ब्राह्मण और क्षत्रियों में अधिक थी। इन दोनों में सतत वर्ग संघर्ष चलता रहता था। यह इतना तीव्र था जिसका विवरण पढ़कर मार्क्सवादी प्रसन्न हो जाएंगे। दुर्भाग्य से ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच वर्ग संघर्ष का विस्तृत इतिहास नहीं मिलता।
केवल कुछ उदाहरण लिखे गए हैं। वेन, पुरुडवा, नहुष, सुदास, सुमुख और निमि ऐसे क्षत्रिय राजा थे जिनका ब्राह्मणों से संघर्ष हुआ था। इन संघर्षों के मुद्दे अलग अलग थे। वेन और ब्राह्मणों के बीच संघर्ष का मुद्दा यह था कि क्या राजा का प्रभुत्व रहेगा और ब्राह्मण उसकी पूजा करेगा और भगवान को बलि चढ़ाए जाने की बजाय वह राजा को बलि चढ़ाएगा। पुरुड़वा और ब्राह्मणों के बीच संघर्ष का मुद्दा यह था कि क्या राजा ब्राह्मणों की संपत्ति जब्त कर सकता है या नहीं। नहुष और ब्राह्मणों के बीच मुद्दा यह था कि क्या क्षत्रिय राजा ब्राह्मण से गुलामों जैसा कार्य करवा सकता है या नहीं। निमि और ब्राह्मणों के बीच संघर्ष का मुद्दा यह था कि क्या बलि समारोह के लिए वह पुरोहित की सेवाएं लेने को बाध्य है या नहीं। सुदास और ब्राह्मणों के बीच संघर्ष का मुद्दा यह था कि क्या पुरोहित के पद के लिए वह केवल ब्राह्मणों की सेवाएं लेने के लिए बाध्य है या नहीं। सो ये संघर्ष का एग्जाम्पल देते हुए उसके बाद आगे डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि इससे यह ज्ञात होता है कि इन दोनों वर्गों के बीच संघर्ष के कितने बड़े मुद्दे थे। यह आश्चर्य की बात नहीं कि इनके बीच संघर्ष सबसे अधिक कटु था। इनके बीच संघर्ष केवल यदा कदा होने वाले दंगे नहीं थे। यह संघर्ष एक दूसरे को मिटा देने के संघर्ष थे। यहां परशुराम को उद्धृत करते हैं। परशुराम जो एक ब्राह्मण थे क्षत्रियों से 21 बार लड़े और प्रत्येक क्षत्रियों को उन्होंने मार डाला। वैसे अब आगे देखिए, आप लीला देखिए जो बार बार आपको समझाते हैं कि यहां भी अभी भी चल रहा है ब्राह्मण क्षत्रिय लड़ाई, लेकिन शूद्र अति शूद्र को दबाने के लिए दोनों एक हो जाते हैं। तो इसी पे लिख रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर कि वैसे ये दोनों वर्ग सर्वश्रेष्ठता के लिए आपस में भिड़े थे, लड़ रहे थे, फिर भी दोनों वैश्य और शूद्रों को अपने वश में रखने के लिए एक थे। वैश्य दूध देने वाली गाय के समान थे। उनका कार्य केवल कर चुकाना था, टैक्स देना था। शूद्र पशु स्वरूप माने जाते थे। इन दोनों वर्गों का एकमात्र उद्देश्य ब्राह्मण व क्षत्रियों को गौरवमय बनाना और खुशहाल रखना था। उन्हें अपने जीवन के कोई अधिकार नहीं थे। ये लोग अपने से श्रेष्ठ लोगों के जीवन जीने के लिए ही जी रहे थे। इसके बाद बहिष्कृत अछूत की चर्चा करते हैं कि इन दोनों वर्गों के नीचे भी अन्य लोग थे। चांडाल और स्वपाक, ये लोग मात्र अछूत ही नहीं थे बल्कि नीच माने जाते थे। ये लोग समाज और कानून की परिधि से बाहर थे। इनको न तो कोई अधिकार था और न ही इन्हें कोई अवसर थे। ये आर्यों के समाज से बहिष्कृत थे। आर्यों के समाज की यौन अनैतिकता जानकर उनके आज के वंशजों को सदमा पहुंचेगा। वीडियो सजेस्टेड वीडियो देखिए, उसमें पूरा डिटेल्स है। इसके बाद ब्राह्मण क्षत्रिय के बाद उस सेक्स के बारे में लंबी चर्चा कर रहे हैं, वो रिपीट नहीं करूंगा। उसके बाद वो आते हैं कि धर्म में कैसा था, धर्म में बलि का क्या प्रावधान था। ये सुनिए, कितने पशु कब काटे जाते थे, इस पे उन्होंने लिखा है कि आर्यों के धर्म में यज्ञ या बलि का समावेश है। यज्ञ देवताओं के लोक में प्रवेश और उन्हें काबू में करने का माध्यम भी था। पारंपरिक यज्ञों की संख्या 21 थी और उन्हें 7-7 के 3 खंडों में विभक्त किया गया था। पहले वर्ग में यज्ञों में मक्खन, दूध, अनाज आदि की आहुतियां दी जाती थी। दूसरे वर्ग में सोम की आहुति और तीसरे वर्ग में जीव की बलि चढ़ाई जाती थी। यज्ञ कम समय के लिए, छोटे ड्यूरेशन के लिए अथवा एक वर्ष या उससे अधिक समय तक हो सकते थे, जिसे दीर्घकालिक कहते थे।
और दीर्घालिक जो सत्र होता था उसको सत्र कहते थे, यज्ञ को सत्र कहते थे। यज्ञ के पक्ष में तर्क यह है कि इसे कराने वाला शाश्वत पुण्य का भागी बनता है यज्ञ के माध्यम से, स्वयं उस मनुष्य का ही नहीं अपितु इसके पितरों का भी जो मर गए हैं उनका भी उद्धार हो जाता है। अपनी भेंट द्वारा वह पितरों को सुख प्रदान करता ही है, साथ ही उनका वैभव बढ़ाता है और उन्हें स्वर्ग लोक में रहने के लिए भेजता है। आगे लिखते हैं कि यज्ञ का प्रायोजन स्वर्गीय आनंद मात्र लेना नहीं था, अधिकतर बड़े यज्ञ पृथ्वी पर उन उत्तम वस्तुओं के लिए प्राप्ति के लिए किए जाते थे। भविष्य के किसी लाभ के बिना किसी ने यज्ञ किया हो इसकी जानकारी नहीं मिलती। ब्राह्मण प्रधान भारत आभार प्रकट करना नहीं जानता था। यज्ञ के बारे में हम लिख रहे हैं कि ब्राह्मण क्या सोचता है यज्ञ के बारे में, पुजारी क्या सोचता है कि यज्ञ का अनुष्ठान विस्मय जागृत करता था, हर शब्द परिणाम गर्भित होता था, यहां तक कि शब्द का उच्चारण अथवा लहजा भी महत्वपूर्ण होता था। तथापि ऐसे संकेत मिलते हैं कि स्वयं पुरोहित भी यह समझते थे कि अधिकांश अनुष्ठान छलावा मात्र हैं, उनका महत्व उतना नहीं है जितना कि बताया गया है। प्रत्येक यज्ञ का अर्थ होता था, आगे लिख रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर यज्ञ की व्याख्या करते हुए कि प्रत्येक यज्ञ का अर्थ होता था पुरोहित को दक्षिणा देना, कि दक्षिणा के बिना कोई यज्ञ नहीं। जहां तक दक्षिणा का संबंध है उसके नियम स्पष्ट थे और उनके प्रतिपादक निर्लज थे। पुरोहित मात्र दक्षिणा के लिए यज्ञ कराता था और उसमें मूल्यवान वस्त्र गाय घोड़े अथवा स्वर्ण सोना गोल्ड होता था। कब क्या दिया जाना है इसकी बड़ी सावधानी से उल्लेख किया गया था। पुरोहित ने कर्म कांड का ऐसा जाल बिछाया था कि हर अनुष्ठान पे वे दक्षिणा की मांग करते थे। संपूर्ण व्यय का भार जो कि बहुत ज्यादा होता था उस व्यक्ति पर पड़ता था जिसके लाभ के लिए यज्ञ कराया जाता था। संपूर्ण अनुष्ठान कितना व्यय साध्य होता था इस बात से पता लगाया जा सकता है कि यज्ञ एक जगह पर यज्ञ के लिए दी जाने वाली दक्षिणा 1000 गाय के रूप में बताई गई है। इतने बड़े लोभ के लिए वह घोषणा करता है कि जो 1000 गाय दान करता है उसे स्वर्ग की सभी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। दान करेगा स्वर्ग जाएगा, वाह वाह। चलिए अब आते हैं बलि कैसे चढ़ाई जाती थी और उसका क्या डिस्क्रिप्शन है, यह सुनना जरूरी है। जीव की बलि चढ़ाए जाने वाला यज्ञ प्रमुख यज्ञ होता था। यह खर्चीला और निरशंस होता था। आर्य के धर्म में बलि के लिए 5 जीवों का वर्णन है। बलि के लिए जीवों की इस पहली सूची में पहला स्थान मनुष्य का था। नर बलि सबसे महंगी होती थी। इस बलि के नियमों के अनुसार यह आवश्यक था कि वध किया जाने वाला व्यक्ति, मतलब जिसका बलि चढ़ाया जाना है, वह न तो पुरोहित हो और न ही दास हो, उसे क्षत्रिय अथवा वैश्य होना चाहिए। उस समय के सामान्य मूल्यांकन के अनुसार बलि के लिए खरीदे जाने वाले मनुष्य का मूल्य 1000 गायें थी। 1000 गाय बनाम एक इंसान आदमी, वो भी वैश्य या क्षत्रिय। खर्चीला और निशंस होने के अलावा यह विभत्स भी होता होगा, क्योंकि बलि चढ़ाने वालों को केवल मनुष्य का वध ही नहीं करना होता था बल्कि उसे खाना भी पड़ता था। मनुष्य के बाद दूसरा स्थान घोड़े का था। वह भी काफी खर्चीला था क्योंकि घोड़ा आर्यों के लिए उनकी भारत विजय में एक दुर्लभ और आवश्यक पशु था। सैन्य शासन के इतने सक्षम साधन को बलि की भेंट चढ़ाना आर्यों के लिए रुचिकर नहीं था, महंगा था। यह बलि इसलिए भी विभत्स होती होगी क्योंकि
अश्व बलि चढ़ाने के एक अनुष्ठान में वध किए जाने से पूर्व घोड़े की बलि चढ़ाने वाले की पत्नी के साथ घोड़े को सेक्स कराया जाता था। आमतौर पर बलि के लिए भेंट किए जाने वाले ऐसे पशु होते थे जिनका उपयोग लोग अपने कृषि प्रयोजनों के लिए करते थे। उनमें अधिकतर गाय और बैल होते थे। आगे लिखते हैं कि यज्ञ खर्चीले होते थे और उन पर होने वाले व्यय के विचार से यह प्रथा समाप्त हो सकती थी, लेकिन वह समाप्त नहीं हुई। कारण यह है कि यज्ञ के रुकने से ब्राह्मणों की होने वाली दक्षिणा की हानि का प्रश्न इससे जुड़ा हुआ था। यदि यज्ञ कराना रुक जाता तो कोई दक्षिणा भी नहीं रह पाती और ब्राह्मण भूखे मर जाता। इसलिए ब्राह्मण ने खर्चीली जीव बलि का विकल्प खोज लिया। नर बलि के लिए ब्राह्मण ने जीवित मनुष्य के स्थान पर घास फूस अथवा धातु अथवा मिट्टी के बने मनुष्य को प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी। लेकिन उन्होंने इस भय से नर बलि का पूर्ण रूप से त्याग नहीं किया कि कहीं यज्ञों का कराना बंद हो गया तो उन्हें अपनी दक्षिणा से हाथ धोना पड़ेगा। जब नर बलि बहुत कम हो गई तो उसके विकल्प के रूप में पशु बलि शुरू हो गई। आम लोगों के लिए पशु बलि भी खर्चीला था। यहां भी इस आशंका से कि कहीं इस बलि का प्रचलन भी बंद न हो जाए, ब्राह्मण बड़े पशु के स्थान पर छोटे पशु का सुझाव लेकर आया कि बड़े पशु नहीं, छोटे पशु से भी काम चल जाएगा। यह सब यज्ञ को जारी रखने के उद्देश्य से किया गया ताकि ब्राह्मण को दक्षिणा का नुकसान न उठाना पड़े जो कि उनकी जीविका थी। ब्राह्मण यज्ञ को जारी रखने के लिए इतने कटिबद्ध थे कि वे भेंट स्वरूप मात्र चावल प्राप्त करने से संतुष्ट हो जाते थे। 1000 गाय से मात्र चावल। तो आगे देखिए, आगे उन्होंने क्या लीला रची कि धीरे धीरे औकात के हिसाब से दान दक्षिणा का प्रावधान किया गया। मसलन अगर वह व्यक्ति गरीब हो तो भेंट चावल हो सकती है, अगर वह संपन्न हो तो भेंट बकरी हो सकती है, अगर वह अमीर हो तो भेंट मनुष्य, गाय, घोड़े अथवा सांड हो सकती है। विकल्पों का यह प्रभाव यह हुआ कि यज्ञ को सभी की सामर्थ्य के भीतर लाया गया ताकि कुल मिलाकर ब्राह्मण अपेक्षाकृत अधिक लाभ अर्जित कर सके। इसके प्रभाव से पशु बलि नहीं रुकी। वास्तव में असंख्य लोगों द्वारा पशु बलि जारी रखी गई। आगे लिखते हैं डॉक्टर अंबेडकर कि यज्ञ में बहुधा नियमित रूप से पशुओं की हत्या होती थी जिसमें ब्राह्मण बधिकों का काम करते थे। किस सीमा तक इस निर्दोष पशुओं की हत्या होती थी इसकी जानकारी बौद्ध साहित्यों से मिलती है। सुत्त निपात में एक ऐसे यज्ञ का वर्णन किया गया है जिसे कौशल नरेश प्रसेनजीत द्वारा संपन्न किए जाने की व्यवस्था की गई थी। यह बताया जाता है यज्ञ में वध के लिए खंभों से 500 बैल, 500 सांड, 500 गायें, 500 बकरियां और 500 मेमने बांधे गए थे। यज्ञ करने वाले पुरोहितों के आदेशानुसार राजा के सेवकों को जो कार्य सौंपे गए वे अपने कर्तव्यों का पालन बहते आंसू से कर रहे थे। चलिए अब यज्ञ में क्या क्या होता था बलि के अलावा। कि यज्ञ में जहां एक और भयंकर हत्याकांड होता था वहां वह वास्तव में एक प्रकार का उत्सव बन जाता था। भुने हुए मांस के अलावा मादक पेय भी सुलभ होते थे। ब्राह्मण के लिए सोम और सूरा दोनों ही उपलब्ध होती थी। अन्य लोगों को काफी मात्रा में सूरा सुलभ होती थी। लगभग प्रत्येक यज्ञ के बाद जुआ खिला जाता था और सबसे असाधारण बात यह कि इसके साथ साथ खुले में संभोग यानी सेक्स भी चलता रहता था। यज्ञ अयाशीपूर्ण बनाए गए थे और उनमें कोई धर्म शेष नहीं रह गया था। आगे कंक्लूड करते हैं इस पोर्शन में कि आर्य धर्म अनुष्ठानों की श्रृंखला मात्र था। इन अनुष्ठानों के पीछे अच्छे और सदाचारी जीवन के लिए कोई ललक
नहीं थी, पवित्रता के लिए कोई कामना नहीं थी, उनके धर्म में कोई आध्यात्मिक तत्व नहीं था। ऋग्वेद के देवगीत आर्य धर्म में आध्यात्मिक आधार की अनुपस्थिति का बहुत ही अच्छा प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। देवगीत द्वारा आर्यों द्वारा अपने देवताओं के लिए गई प्रार्थना, इन प्रार्थनाओं में वे क्या कामना करते हैं, सवाल खड़े करते हैं, क्या वे प्रार्थना करते हैं कि उन्हें लोभ से दूर रखा जाए, क्या वे बुराई से छुटकारा पाने की प्रार्थना करते हैं, क्या वे अपने पापों के लिए क्षमादान की प्रार्थना करते हैं। अधिसंख्य देवगीतों में इंद्र की स्तुति की गई है। वे इंद्र की स्तुति इसलिए करते हैं क्योंकि उसने आर्यों के शत्रुओं का विनाश किया। वे सभी गुणगान करते हैं क्योंकि उसने कृष्ण नामक एक असुर की सभी गर्भवती पत्नियों को मार डाला। वे उसकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि उसने असुरों के सैकड़ों गांव को नष्ट कर दिया। वे उसकी सराहना करते हैं क्योंकि उसने लाखों दस्युओं को मार डाला। वे इस आशा से इंद्र की प्रार्थना करते हैं ताकि वह अनार्यों का और विनाश कर सकें, जिससे वे अनार्यों की खाद्य पूर्ति के साधन और संपदा प्राप्त कर सकें। ऋग्वेद के देवगीत आध्यात्मिक तथा उन्नायक होने की बजाय कुत्सित विचारों और कुत्सित प्रयोजनों से परिपूर्ण है। आर्य धर्म का सरोकार कभी भी ऐसे जीवन से नहीं रहा जिसे सदाचारी जीवन कहा जाता है। शुक्रिया दोस्तों। Volume 7 रेवोल्यूशन काउंटर रेवोल्यूशन हिंदी का क्रांति और प्रतिक्रांति 18 नंबर पेज से 30 नंबर पेज पर आप जाइए, इस सारे इंफॉर्मेशन वहां पर आपको मिलेंगे। शुक्रिया की वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकर नामा। अगले एपिसोड में कुछ और मटेरियल के साथ हाजिर होता हूँ। शुक्रिया। जय भीम।